Hey all, we all use induction cooktops these days for cooking food, but do you know what is the working principle behind it? It's nothing but electromagnetic induction. Yes, it's true. The electromagnetic induction is used to heat the vessel directly and it helps us cook the food faster and it's also energy efficient. Hello everyone, my name is Sucheta. I'm your physics ma'am and today we are going to learn about this magnetic effect of electric current. This is part 3 of the chapter series. The topics that I'm going to cover in this video are the electromagnetic induction, yes, the cooktop, but we'll not be talking about the cooktop anymore. Then the electric generator, what is the working principle of it? Then what are the domestic electric circuits? How are they designed? So let us start and go ahead to the topic directly. In our previous video, we've seen that when a conductor is kept in a magnetic field, it experiences a force. And due to that force, there is a motion of the conductor. So now, is this possible that the conductor is kept stationary and we keep moving the magnetic field? What will happen, suppose I do this, I keep the conductor stationary and I change the magnetic field or I move the magnetic field. Or else, can we do it the other way around? Conductor move kar raha hai inside a stationary magnetic field. One of them, right? One of them has to be moving. अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? तो माइकल फैराडे वॉज द वन हु इन्वेंटेड कि अगर हमने आइदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, वेरी किया और या तो फिर हमने कंडक्टर को मूव किया इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है. Is exactly other way round of what we've seen in the electric motor. है ना, जहाँ पे current carrying conductor अगर magnetic field में place किया तो उसमें force experience होता है. अब जैसे ये conductor अगर हमने रखा magnetic field के अंदर moving और change magnetic field के अंदर, तो उस conductor में current induce होता है. Yes, in both the cases, either this or the first one or the second one, in both the cases, what is going to happen is the current generation will happen, right? इसमें दोनों भी केस में ये कॉइल में करंट इंड्यूस होगा. जैसे ये एक डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कॉइल है विद नंबर ऑफ टर्न्स, यस, एंड इट इज वाउंड ओवर हॉलो सिलेंडर काइंड ऑफ, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया. तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो सेंस करता है करंट. तो जैसे ही करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन. एंड आई हैव अ मैग्नेट, जैसे उसका नॉर्थ पोल जैसे हमने मूव किया टुवर्ड्स बी एंड ऑफ द कॉइल. तो जैसे ही मैग्नेट मूव किया कॉइल के पास में, हमें क्या देखा, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स राइट. ठीक है, फिर हमने ये सपोज मैग्नेट दूर मूव कर दिया तो क्या दिखेगा, तो दिखेगा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लेफ्ट. एंड दिस विल कीप हैपनिंग एज लॉन्ग एज हम लोग मैग्नेट मूव कर रहे हैं. जैसे ही मैंने मैग्नेट स्टेशनरी कर दिया, ये डिफ्लेक्शन जीरो दिखाएगा, मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा. जब तक ये मैग्नेट मूव कर रहा है आइदर टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. तो ये क्या हो गया, व्हेन नाउ आपका ये कंडीशन हो गया है ना, कंडक्टर स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसका फ्लक्स लिंकेज, जो उसका लिंकिंग होता है वो कंडक्टर के साथ, वो चेंज होता है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है. अब दूसरा केस हम देखते हैं इन द नेक्स्ट एग्जांपल. जैसे यू टेक टू कॉइल्स, फर्स्ट कॉइल को हम बोलेंगे कॉइल वन विच इज आर प्राइमरी कॉइल, देन ये कॉइल टू हो गया सेकेंडरी कॉइल. अब कॉइल वन में हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे सेल के साथ, एक स्विच लगाएंगे एंड विल पास करंट. तो जैसे करंट पास होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक हो जाएगा, कॉइल टू के साथ लिंक हो जाएगा. और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, यू विल सी द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल टू, मतलब जो कॉइल टू से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा टूवर्ड्स राइट.
तो यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट, है ना, या तो आप पहले करंट जब एक्सट्रीम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तब आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, और आप जैसे स्विच ऑफ कर दो ये सर्किट, है ना, ये स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज हो गया, कम और ज्यादा वेरिएशन है ना, तब भी आपको क्या दिखेगा, उसका डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सब जब मैक्सिमम है तब राइट में दिखेगा, जब जीरो हो गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर रहे हैं। अगर हमने इसमें से कुछ भी नहीं चेंज किया, करंट कंटिन्यूसली मूव हो गया अगर कॉइल वन से, तो आपको कॉइल टू में डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि कुछ तो एक चीज हमेशा से वेरी करना जरूरी है, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो या तो फिर आप कंडक्टर को मूव करते रहो। तो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो आपका करंट इंड्यूस नहीं होगा, राइट। सो व्हाट इट टेल्स यू दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन कॉइल टू व्हेन द करंट इन कॉइल वन इज चेंजिंग। चेंज क्या है, या तो मैक्सिमम या तो जीरो, दोनों केस में उसको हम चेंज बोलेंगे, है ना। जैसे करंट चेंज होता है उसका, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और उसके साथ ये लिंकेज जो है कॉइल टू का वो भी चेंज होता है। एज लॉन्ग एज दैट इज चेंजिंग यू विल सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, राइट। नाउ ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ यू नो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द करंट। सो यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूस द करंट इन द अनदर कॉइल। तो एक कॉइल में हमने करंट चेंज किया, उसकी वजह से क्या हो गया, कॉइल टू में करंट इंड्यूस हो गया, है ना। उससे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द डेफिनेशन सिंपल, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन अनदर कंडक्टर, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, है ना। ये दो एक्टिविटीज जो हमने देखी उसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका फ्लक्स लिंकिंग या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज जो दूसरे कॉइल के साथ होता है वो चेंज होते रहना चाहिए, तभी उसमें करंट इंड्यूस होगा। सो अब जैसे हमने बोला कि हाँ करंट इंड्यूस तो हो गया, देन हाउ डू आई फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके लिए सिंपल सा रूल लगाना है हमें, जिसे हम बोलेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये रूल कैसे लगाएंगे, दिस रूल टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो जैसे थ्री फिंगर्स यू विल टेक म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइन। इसमें आपका फोर फिंगर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देन योर थंब शोज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड देन दिस सेकेंड फिंगर और द मिडिल फिंगर इज गोइंग टू शो यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब इससे ये क्या पता चलता है, इंड्यूस करंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दिस इंड्यूस करंट बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर आर एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज। तो जब वो 90 डिग्रीज पे होते हैं तब वो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड कट होता है कंडक्टर से, और तभी मैक्सिमम ईएमएफ भी इंड्यूस होता है और आपका करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के हम इसमें करंट का डायरेक्शन इन द कॉइल वी कैन फाइंड आउट, राइट। तो ये हुआ आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यही रूल लगता है जनरेटर्स में, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे अब इजी क्या है हमारे लिए, मैग्नेट्स मूव करना इजी है या कॉइल मूव करना इजी है, कॉइल मूव करना, इजंट इट। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लाइक यू नो विद इन द फिक्स्ड मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, वी आर मूविंग और वी आर कीपिंग अ कंडक्टर विच वी आर मूविंग। तो मतलब हम मूव कर रहे हैं उसको, राइट। सो वी आर गिविंग द मैकेनिकल एनर्जी टू द जनरेटर विच कन्वर्ट्स इट इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू मूव द कॉइल, तो कॉइल को रोटेट करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी यूज करना पड़ता है, और वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब वो क्या है, उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, राइट। सो जनरेटर इज समथिंग विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी एज आई हैव सेड
इज यूज टू रोटेट दी कंडक्टर. सो इजी क्या है, मैग्नेट्स मूव करना इजी नहीं है, कंडक्टर मूव करना इजी है. तो जनरली वी मूव द कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड. एंड इसका हम डायरेक्शन जैसे उसमें अभी नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि वर्क कैसे करता है. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट हमें कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. नाउ वील सी फ्रॉम द डायग्राम कि ये जनरेटर वर्क कैसे करता है. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज केप्ट, राइट. तो इसके अक्रॉस इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया. अब हमने एक कॉइल रख दिया है ए बी सी डी. जनरली हम दिखाते हैं कि एक ही कॉइल फॉर द अंडरस्टैंडिंग है ना, आसानी से पता चलेगा करंट डायरेक्शन क्या है. बट इन रियलिटी देर आर मल्टीपल कॉइल्स, एक ही कॉइल नहीं होता, कॉइल के बहुत सारे टर्न्स होते हैं. तो उससे क्या हो जाएगा, आपका करंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी आपका एक कॉइल है विच इज रोटेटेड, मतलब उसको मैकेनिकल एनर्जी से या प्राइम मूवर से हम रोटेट करते हैं, है ना. तो ए बी सी डी आपका कॉइल हो गया, उसके साथ लगे होते हैं टू रिंग्स आर वन एंड आर टू. ऑन दैट आर वन एंड आर टू द ब्रशेस बी वन एंड बी टू आर फिक्स. तो ब्रशेस जो है वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करेंगे. आपके रिंग्स विल बी देयर विच विल बी कनेक्टेड टू द एक्सल जो रोटेट करता है. तो जैसे वो रिंग्स मूव करेंगे आपका कॉइल भी मूव करेगा. और ये कहां से कनेक्ट होता है, फिर वो ब्रशेस का कनेक्शन जाता है गैल्वेनोमीटर को विच शोज द डिफ्लेक्शन कि करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ. तो जैसे सोच लिया कि चलो ये कॉइल रोटेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. तो जब ये क्लॉकवाइज में जाएगा आपका ए बी कॉइल विल मूव अपवर्ड्स एंड सी डी विल मूव डाउनवर्ड. तो जैसे आपने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, देन ए बी का करंट का डायरेक्शन है इनसाइड जैसे जा रहा है. देन वील सी कि मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज अपवर्ड्स, है ना. तो हमें लगाना है इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो ए बी ऊपर जा रहा है, राइट. उसके हिसाब से हमें करंट डायरेक्शन मिलेगा ए बी में विच इज गोइंग इनवर्ड्स. और जैसे सी डी नीचे जा रहा है तो वहां से करंट कैसे आएगा, आउटवर्ड. तो जब करंट डायरेक्शन ए बी सी डी से थ्रू जा रहा है तो एक्सटर्नल सर्किट, तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल सर्किट, इसमें करंट जाएगा बी टू टू बी वन. कहां से जाएगा, बी टू टू बी वन इन द एक्सटर्नल सर्किट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन. देन क्या हो गया, ए बी की जगह सी डी आ गया, सी डी की जगह ए बी ने ले लिया. अब क्या होगा, अब आपका करंट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा बिकॉज ए बी की जगह अब सी डी में क्या हो जाएगा, करंट इनवर्ड जाएगा और ए बी में करंट आउटवर्ड आएगा. तो सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है आपका, करंट डायरेक्शन इज ए बी सी डी एंड इन द सेकेंड हाफ आपका करंट डायरेक्शन हो जाएगा बी सी बी ए. तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से कहां जाएगा, करंट विल मूव फ्रॉम बी वन टू बी टू. अब ये तो जैसे हमने मोटर में देखा था, इट हैड डीसी मोटर में इट हैड स्प्लिट रिंग्स. अब ये क्या है, करंट डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी हाफ अ साइकिल. तो जब ये करंट डायरेक्शन चेंज करता है हाफ साइकिल में, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज इट चेंजेस द डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल, राइट. बट जो हमने डीसी मोटर में देखा था, वी हैड अ कम्यूटेटर, उसमें स्प्लिट रिंग्स लगे हुए थे, है ना. तो अगर हमें जनरेटर डीसी बनाना है तो हमें कम्यूटेटर वाला अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग्स का अरेंजमेंट, राइट. यहाँ पे तो स्प्लिट रिंग्स है नहीं. सो व्हाट काइंड ऑफ जनरेटर इज दिस, इट इज द एसी जनरेटर बिकॉज इट ऑल्टरनेट्स द करंट. तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा इसलिए उसको ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर बोलते हैं. फॉर डीसी यू विल हैव टू यूज द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, जैसे हमने डीसी मोटर में देखा था, राइट. तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ स्प्लिट रिंग्स. बट यहाँ पे वो है नहीं इसलिए करंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इसे हम एसी जनरेटर बोलेंगे, करेक्ट. नाउ दिस एसी, जब मैंने बोला कि इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर एवरी 100th ऑफ सेकेंड, तो इससे क्या हो रहा है,
हम बोलते हैं ना कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, एसी सप्लाई, उसका फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। सो 50 हर्ट्ज इज नथिंग बट इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन एवरी हाफ अ साइकिल, और वी कैन से 1/100th of second। तो उसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज 50 हर्ट्ज। That is why we say AC. Now most of the generation generating stations जो है वो AC ही generate करते हैं. Very rarely you will have DC generating stations. Now AC का advantage क्या है? AC if it is generated, इसका transmission is also possible over longer distance, which will not be possible without much of losses अगर हम DC में transmit करने की कोशिश करें. राइट, सो लॉसेस कम हो जाते हैं अगर हम जनरेशन एसी करते हैं, एंड ट्रांसमिशन ऑल्सो हैपेंस यू नो इकोनॉमिकली इन एसी. तो दैट इज व्हाई वी हैव मेजॉरिटी ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस एज द एसी जनरेटिंग स्टेशंस. राइट, ओके, सो दिस इज हाउ द करंट डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड हाउ द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स. इट कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल, तो उसे इसलिए हम बोलेंगे एसी. तो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है? मेन तो ये है कि एसी में आपका करंट डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, डीसी में वो चेंज नहीं होता है. दैट इज द मेन डिफरेंस. राइट, ओके, नाउ वी विल सी कि ये इलेक्ट्रिक, जैसे हमने बोला कि जनरेटिंग स्टेशन पे तो एसी जनरेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया. नाउ इट कम्स टू द हाउस होल्ड सर्किट, जैसे डोमेस्टिक सर्किट है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता कैसे है. तो दिस इज वॉट द डायग्राम शोज, लाइक यू नो इफ यू सी, जैसे आपका सप्लाई, मेन सप्लाई जो हम बोलते हैं है ना, विच कम्स एसी सप्लाई, इट कम्स आइदर थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स और ओवरहेड केबल्स, जो आपके नो लोकैलिटी में ओवरहेड पोल्स होते हैं उनके थ्रू आता है, या तो फिर अंडरग्राउंड केबल. व्हेन इट कम्स टू योर हाउस, आउटसाइड द हाउस यू विल सी देयर आर थ्री वायर्स, टू वायर्स बेसिकली कमिंग. अर्थ वायर तो लोकली होता है, मतलब अर्थिंग इज डन लोकली. तो एक वन वायर इज देयर विच इज कवर्ड विद रेड कलर इंसुलेशन, जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर और फेज वायर. द वन विच इज इन ब्लैक कलर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल वायर. तो न्यूट्रल वायर विल ऑलवेज गिव यू द रिटर्न पाथ, है ना, मेन करंट जाता है लाइव वायर से, न्यूट्रल वायर इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है. तो ये जब आपके घर के यहाँ पे आता है टू द मेन बोर्ड आपके घर का, तो देर इज मेन फ्यूज कनेक्टेड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी फ्यूज. सो दिस फ्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कनेक्टेड बिफोर इवन योर डोमेस्टिक सर्किट स्टार्ट्स. हमारे घर के सर्किट से पहले ही कंपनी फ्यूज कनेक्शन होता है. देन इट गोज टू योर एनर्जी मीटर, जिसमें वो काउंट करता है कि हाउ मेनी यूनिट्स यू आर यूजिंग पर मंथ, और उसके हिसाब से हमें बिल मिलता है. तो कंपनी फ्यूज या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज के बाद हम करते हैं कनेक्शन टू द एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर. देन इट गोज नेक्स्ट टू योर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका मेन स्विच होता है, यहाँ पे आपका मेन स्विच होता है. एंड देन फ्रॉम देयर इट गोज टू डिफरेंट सर्किट्स, जैसे अलग अलग रूम्स के सर्किट्स में इट गोज. नाउ ईच एंड एवरी अप्लायंस और यू नो द डिवाइसेस दैट यू आर यूजिंग इन योर हाउस विल हैव अ सेपरेट स्विच, उनका कनेक्शन अलग होता है. आजकल MCBs भी होते हैं पर रूम जैसे, है ना. अब ये तो हो गया कि चलो 5 एम्पियर एक सर्किट होता है. 5 एम्पियर इज जनरली फॉर योर यू नो ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, या फिर फैन देख लो, इन सारे नॉर्मल सर्किट्स के लिए 5 एम्पियर का वायरिंग होता है. देन देयर इज अ हायर रेटिंग वायरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पावर वायरिंग, राइट, पावर सर्किट, दैट इज फॉर 15 एम्पियर. जैसे आपका माइक्रोवेव कनेक्शन हुआ, गीजर कनेक्शन हुआ, हीटर, रूम हीटर्स, ये सारे कनेक्ट होते हैं 15 एम्पियर सर्किट से. सो यहाँ पे हर एक अप्लायंस के लिए, हर एक स्विच बोर्ड से आपको जाता है एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर. एक थर्ड होता है अर्थ वायर. नाउ अर्थ वायर इज द वन विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल शॉक. जैसे कुछ फॉल्ट करंट है या कुछ लीकेज करंट है, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर देख लिया या फिर इलेक्ट्रिक आयन देख लिया, प्रेस, है ना, इनका बॉडीज मेटालिक होता है. सपोज उसमें कुछ फॉल्ट करंट है, कुछ लीकेज करंट है, और आप उसको टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा. So to avoid that, this earth wire is providing a low resistance path.
और वो ग्राउंड में बरी किया जाता है एक कॉपर प्लेट के साथ। उसमें वो रेजिस्टेंस कम होता है, तो कुछ भी फॉल्ट करंट है वो आपके बॉडी से ना जाके वो अर्थ वायर से जाता है। तो जब हम 3 पिन प्लग लगाते हैं ना, उसमें एक होता है बिगर वन, तो वो प्लग का जो थिक वाला पॉइंट होता है ना, दैट इज दी अर्थ पॉइंट। सो दैट इज जनरली डन लोकली, आपके घर के बाहर कहीं पे अर्थिंग होती है और वहां से ये वायर कैरी होता है टू ईच ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट, मतलब आपके जो हर एक रूम में ये वायर कनेक्शन जाता है। ऑल योर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अर्थ फॉर योर सेफ्टी, राइट। नाउ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम सेफ्टी वाला डिवाइस जो करता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्यूज। नाउ फ्यूज क्या करता है? फ्यूज प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, या कोई भी फॉल्ट करंट है, इवन वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। ऑल दीज केसेस क्या हो सकता है, करंट जो सप्लाई कंपनी से आ रहा है या फिर जो आपका सर्किट ड्रॉ कर रहा है वो ज्यादा हो जाता है। तो फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज में जैसे ही करंट ज्यादा हो जाता है, इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट प्रिंसिपल। तो जैसे ही करंट बढ़ गया तो फ्यूज वायर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है एंड इट मेल्ट्स। एंड वंस द फ्यूज वायर मेल्ट्स क्या हो जाएगा, वो एक्सेस करंट इट विल नॉट अलाउ टू पास इन टू योर डोमेस्टिक सर्किट, और वो सर्किट के सारे अप्लायंसेस, सारे डिवाइसेस वो सेव करता है फ्रॉम दैट एक्सेसिव करंट। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सेस करंट से सब डिवाइसेस जल जाएंगे, है ना, सब अप्लायंसेस। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है फ्यूज। फर्स्ट तो कंपनी फ्यूज होता है, एंड इनसाइड योर हाउस ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल अप्लायंसेस देर आर ऑल्सो फ्यूज प्रोवाइडेड दीज डे। तो वो भी यही काम करते हैं, एक्सेस करंट को अलाउ ना करके इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दी अप्लायंसेस एंड द हाउस होल्ड सर्किट ओवरऑल। सो दिस इज हाउ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर डिजाइंड, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ एवरीवन एंड सेफ्टी ऑफ द अप्लायंसेस एज वेल। आई होप जो टॉपिक्स आज कवर किए गए वो अच्छे से आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।